श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, बेड पर लेटे लेटे इस मंत्र का जाप कीजिए और आपके जो भी दुर्भाग्य है वे सब सौभाग्य में बदल जाएंगे, अर्थात आप जो भी मांगोगे वे पूर्ण हो जाएगी आपकी मांग। और इसको किस समय आपको जपना है, इसको आपको ब्रह्म मुहूर्त में जपना, अर्थात 3 से लेकर 5 बजे के मध्य। काफ़ी लोग 3 से लेकर 6 बजे के मध्य भी ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, तो आप 6 बजे तक भी कर सकते हैं, मगर 5 बजे से पहले करेंगे तो उत्तम फल मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। 6 बजे से करना चाहे तो आप कर सकते हैं वैसे। और आप इस मंत्र को लगभग 21 दिनों तक आपको करना है, क्योंकि 21 दिनों तक आपकी जब तक कोई चीज़ रिदम में नहीं आती है तब तक आपको पूर्ण रूप से ही फल नहीं मिलता है। यानी आपको आप उसमें नियमितता बरतते हैं तो आपको वह फल जल्द मिल जाता है। और आपको इनको नियमित रूप पे करना और पूरे और ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए दिया हुआ है इसमें क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप उठते हैं सुबह सुबह एकदम, तो आपके उस समय विचार आपके शरीर आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार नहीं रहता। जब आप प्रभु से कुछ भी मांगते हो तो वो पूर्ण रूप से आपको दे देता है और निरंतर उसी समय मांगते हो आप। जैसे कि आप एक समय निश्चित होता है ना कि आप 5 बजे उठना है और 5 बजे वो चीज़ मांग लेनी, तो आप किसी चीज़ को एक ही समय पर बार बार दोहरा रहे हैं तो आप समझे वो प्रभु तक आपको निश्चित पहुँचेगी। तो आप ये मंत्र ध्यान से सुने कि किस प्रकार है कि ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुशशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतो सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अर्थात हे ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु देवता मुझ पर कृपा करो, मेरे प्रातिकाल को मंगलमय करे। अर्थात आपकी जो भी इच्छा है इस समय आपकी इच्छा भी प्रकट कर दे और आप इसको निरंतर 21 दिनों तक करें, आपको जल्दी ही इसका रिजल्ट मिलेगा। और आप धीरे धीरे जब रिदम पकड़ लेंगे, नियमितता आ जाएगी, तो आपको पूर्ण रूप से इसका फल मिलेगा। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सियाराम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं भक्तों अगले वीडियो में। जय सियाराम।